क्या ड्रोन का ऐसा भी आतंक हो सकता है कि एयरपोर्ट पर विमानों की आवाजाही बंद हो जाए? जी हाँ, ब्रिटेन की सबसे व्यस्त विमानतलों में शुमार लंदन के गैटविक एयरपोर्ट पर ऐसा ही हुआ है। यहाँ पर पिछले 2 दिनों में ड्रोनों ने विमानों की आवाजाही रोक दी है। गुरुवार को भी रनवे के आसपास कई ड्रोन उड़ते हुए दिखाई दिए, इसलिए उड़ानें बंद रही। इसके बाद प्रधानमंत्री थेरेसा द्वारा ड्रोन उड़ाने वालों को सख्त चेतावनी दी गई है। ड्रोन संकट से क्रिसमस की छुट्टियों में भ्रमण पर जाने वाले ब्रिटेनवासी चिंतित हो गए हैं। ब्रिटेन के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट हिथ्रो के बाद गैटविक दूसरा सबसे बड़ा तथा व्यस्त एयरपोर्ट है। यहाँ पर बुधवार से इसे बंद कर दिया गया है क्योंकि हवाई अड्डे की 4 दीवारी के पास 2 ड्रोन उड़ते हुए दिखाई दिए थे। गुरुवार दोपहर एक और ड्रोन उड़ता हुआ दिखाई देने पर अधिकारियों ने जब तक पूरी तरह से सुरक्षित न हो जाए एयरपोर्ट से उड़ानें शुरू नहीं करने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री थेरेसा के एक प्रवक्ता ने ड्रोन उड़ाने वालों के इस कृत्य को गैर जिम्मेदाराना और अस्वीकार्य करार दिया है। उन्होंने कहा कि ये ड्रोन अवैध रूप से उड़ाए जा रहे हैं और कानून तोड़कर विमानों की उड़ानें खतरे में डालने वालों को 5 साल तक की जेल हो सकती है। देखने वाली बात यह है कि अब सरकार क्या करती है, क्योंकि यहाँ पर 760 उड़ानें रद्द की गई हैं और 1.25 लाख से अधिक यात्री अटके हुए हैं।